सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल टेक राज को और बेल आइकन को दबाकर ऑल प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट टेक वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, आपके अपने चैनल टेक राज में आपका बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप वीवो का फ़ोन यूज़ करते हो, दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप वीवो के फ़ोन में फ्री इंस्टॉल वॉलपेपर और फ्री इंस्टॉल थीम का यूज़ कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों काफ़ी लोग हैं जिनके पास वीवो का फ़ोन है लेकिन वो वीवो के फ़ोन में दी गई फ्री वॉलपेपर और फ्री थीम का यूज़ नहीं कर पाते, क्योंकि दोस्तों उन्हें पता ही नहीं है कि ये सारी चीज़ें उन्हें किस फोल्डर में मिलती हैं, किस एप्लीकेशन में मिलती हैं। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको पूरा तरीका बताऊँगा जिससे आपको अच्छे समझ में आ सके कि आप वीवो के फ़ोन में कैसे वॉलपेपर को इंस्टॉल कर सकते हो, कैसे आप उसमें अपने फ्री वॉलपेपर फ्री थीम्स को अप्लाई कर सकते हो अपने मोबाइल में। क्योंकि दोस्तों वीवो के फ़ोन में जो सेटिंग होती हैं वो थोड़ी और फ़ोनों से हटके होती हैं, तो दोस्तों काफ़ी लोगों को इसका सिस्टम पता नहीं होता। तो आज इस वीडियो में मैं आपको पूरा तरीका बताऊँगा जिससे आप अपने मोबाइल में फ्री वॉलपेपर और फ्री थीम्स का अच्छे से यूज़ कर सको और उन्हें अपने मोबाइल में अप्लाई कर सको। दोस्तों मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ, तो चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर। दोस्तों सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में थीम्स नाम का जो ऑप्शन आ रहा है ये वाला, जो आपको इसे ओपन करना है। दोस्तों जितने भी ये फ़ोन होते हैं सब में ये एप्लीकेशन फ्री इंस्टॉल आती है, तो आपको इस थीम्स वाले ऑप्शन को ओपन करना है, इस एप्लीकेशन को ओपन करना है। इसे ओपन करने के बाद देखिए दोस्तों आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शन आएंगे। दोस्तों जो भी जितने भी जो ऑप्शन आ रहे हैं ये सब दोस्तों हमें पैसों से खरीदने पड़ते हैं। मैं आपको भी दिखाता हूँ इसका ब्राइटनेस कम करके। ये देखिए दोस्तों ये जितने भी ऑप्शन होते हैं, जितने भी ये थीम्स होती हैं वॉलपेपर होते हैं, ये सब हमें पैसों से खरीदने पड़ते हैं। ये देखिए ये 30 रुपये की है, ये 60 की है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि आप इसमें जो फ्री मिलते हैं हमें कंपनी तरफ से, आप उनका यूज़ कैसे कर सकते हो। तो दोस्तों आपको नीचे दिख रहा होगा लोकल का, आपको इस पर क्लिक करना है लोकल पर। यहाँ क्लिक करने के बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन आ रहे हैं लोकल थीम्स। तो अगर आप अपने इस लोकल थीम पर क्लिक करोगे तो आपको जितनी भी थीम्स फ्री मिल रही हैं वो यहाँ पर शो हो जाएंगी। तो दोस्तों हमें 4 थीम्स फ्री मिलती हैं, मेरे में जो वाली अप्लाई लगी हुई है मैं चाहूँ तो इसको भी लगा सकता हूँ, इसको भी लगा सकता हूँ, क्योंकि दोस्तों जो मुझे फ्री मिली हुई हैं। तो दोस्तों आप इस तरीके से यहाँ पर अपनी फ्री थीम्स को अप्लाई कर सकते हो, उन्हें चेंज कर सकते हो थीम्स को। क्योंकि दोस्तों काफ़ी लोग होते हैं उन्हें ये पता नहीं होता कि फ्री थीम्स कैसे अप्लाई की जाती है। उन्हें जब भी वो थीम्स वाले ऑप्शन में आते हैं तो उन्हें सिर्फ वहाँ पर परचेज़ करने के लिए ऑप्शन आता है, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ वॉलपेपर के बारे में कि फ़ोन में हमें वॉलपेपर मिलते हैं फ्री में, वो कैसे आप अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों जो ऑप्शन आ रहा है लोकल वॉलपेपर का, आपको इस पर क्लिक करना है। अब देखिए दोस्तों आपके फ़ोन में जितने ये वॉलपेपर हैं, जैसे आपको कंपनी तरफ से मिले हैं फ्री वाले, जिसमें दोस्तों 3-4 वॉलपेपर लाइव भी हैं जो दोस्तों चलते हुए वॉलपेपर होते हैं। लेकिन दोस्तों आप अगर इनको अपने फ़ोन पर अप्लाई करोगे तो आपकी बैटरी ज़्यादा कंज्यूम होगी, तो आपको इनको छोड़ देना है। इसी तरीके से दोस्तों ये तीसरा ऑप्शन आ रहा है लोकल फॉन्ट का, आपको इसमें दोस्तों 2 फॉन्ट मिल जाते हैं, एक सिस्टम फॉन्ट है ऊपर दिख रहा होगा, एक दूसरा वाला है। तो दोस्तों जो आपको दोनों फ्री हैं, मेरे में पहला अप्लाई है, अगर मैं चाहूँ दूसरा वाला अप्लाई कर सकता हूँ। दोस्तों इस तरीके से आप अपने फ़ोन में फ्री वॉलपेपर, फ्री थीम्स और फ्री फॉन्ट्स को यूज कर सकते हो। लेकिन दोस्तों अगर आपको कोई नया थीम्स, नया वॉलपेपर चाहिए तो उसको तो दोस्तों उसके लिए आपको यहाँ से उसे परचेज़ करना होगा। परचेज़ कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको कोई थीम्स ख़रीदनी है तो दोस्तों आपको इस थीम्स पर क्लिक करना है और यहाँ से दोस्तों आप देखिए ये सारी थीम्स हैं जिसके रेट भी उसके नीचे दिखाई गई है, 30 रुपये 30 रुपये। तो आप पहले से चेक कर सकते हो। चेक कैसे करना है दोस्तों, आपको जो जो भी पसंद आ रहा है उस पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करने दोस्तों इस तरह का आपको इंटरफेस मिलेगा, आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों आप उसे परचेज नाउ पर क्लिक कर सकते हो। तो इस तरीके से दोस्तों आप फ्री वॉलपेपर, फ्री थीम्स अपने फ़ोन में अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपको कोई परचेज़ करना है तो आप इस तरीके से यहाँ से परचेज़ कर सकते हो, चाहे आपको थीम्स परचेज करनी हो या फिर कोई आपको फॉन्ट परचेज़ करना हो। फॉन्ट भी दोस्तों यहाँ पर कई तरीके के हैं, ये देखिए ये सारे सब आपको पैसों से मिल जाएंगे, या फिर आपको वॉलपेपर डाउनलोड करने हो, ये सब वॉलपेपर हैं ये सब आपको पैसों से मिलेंगे, फ्री वाला कोई नहीं है। तो इस तरीके दोस्तों आप अपने फ़ोन में, आप अपने वीवो फ़ोन में अपने फ्री वॉलपेपर फ्री थीम्स को अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपको कोई परचेस करना है तो आप इस तरीके से यहाँ से उसे ख़रीद सकते हो। और दोस्तों आपके पास कोई सा भी फ़ोन हो वीवो का, ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास कोई अलग मॉडल है वीवो का, कोई पुराना मॉडल है तो उसमें ये सब सिस्टम नहीं आएगा। आपके पास कोई सा भी फ़ोन हो, अगर आपके पास वीवो का फ़ोन है चाहे वो कोई सा ही मॉडल है, तो दोस्तों सब में जो ऑप्शन होता है थीम्स वाला, आपको थीम्स वाले ऑप्शन में ही आकर यहाँ से आपको वॉलपेपर और थीम्स को सेट करना है।
सभी वीवो के फ़ोनों दोस्तों एक ही सिस्टम होता है 300 वोल्ट पर सेट करने का। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा कि कैसे आप अपने मोबाइल में अपने वॉलपेपर चेंज कर सकते हो, कैसे आप उसमें थीम्स को चेंज कर सकते हो, कैसे आप फ्री वॉलपेपर और फ्री थीम्स को अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।